अक्षय कुमार ने अपनी मराठी फिल्म से अपना छत्रपति शिवाजी महाराज का जो किरदार है उसका फर्स्ट लुक हाल ही में जारी किया। अक्षय कुमार अपनी मराठी फिल्म की शूटिंग शुरू कर चुके हैं क्योंकि अक्षय कुमार बहुत बड़े सुपरस्टार है, काफ़ी लोग उन्हें फॉलो करते हैं और अक्षय की फिल्मों पर सभी की नज़र रहती है। यही कारण है कि जब छत्रपति शिवाजी महाराज के रूप में अक्षय कुमार ने अपना फर्स्ट लुक रिवील किया तो लोगों ने उनके लुक को बहुत ध्यान से देखा और इस पूरे फ्रेम में उन्होंने एक बहुत बड़ी गलती निकाल ली है। वेदांत मराठे वीर दौड़ले साथ, ये जो अक्षय कुमार की फिल्म है, इस फिल्म का जो फर्स्ट लुक सामने आया है उसमें अक्षय के बैकग्राउंड में एक शैंडलियर, एक झूमर नज़र आ रहा है। ये झूमर बल्ब वाला है और इसी बात को लोगों ने पकड़ लिया कि शिवाजी महाराज के टाइम पर बल्ब तो इजाद भी नहीं किए गए थे। एक यूज़र ने कहा कि शिवाजी महाराज ने 1674 से 1680 तक रूल किया था। थॉमस एडिसन ने बल्ब को 1880 में बनाया था और यहाँ अक्षय कुमार शिवाजी बने हैं और पीछे फ्रेम में बल्ब नजर आ रहे हैं। वहीं कुछ लोगों ने इस फिल्म को भी पृथ्वीराज की तरह ही पहले से ही डिजास्टर घोषित कर दिया है। पृथ्वीराज का एक सीन शेयर किया है सोशल मीडिया पर जिसमें अक्षय कुमार को बांधा जाता है लेकिन रस्सी और उनके हाथ के बीच में इतना गैप होता है कि आराम से कोई भी हाथ निकाल ले। उस सीन को इस लाइट वाले सीन से कंपेयर किया है और कहा कि अक्षय कुमार की फिल्मों में क्रिएटिविटी के नाम पर बस यही होता है। अक्षय कुमार की फर्स्ट मराठी फिल्म को मिली जुली प्रतिक्रिया मिली है पब्लिक से। कुछ लोगों ने अक्षय की तारीफ की है तो कुछ वही अपने ट्रोलिंग वाली जॉब कर रहे हैं अक्षय को ट्रोल करके।